हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 18th लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री और इस लेक्चर में हम गदर मूवमेंट देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल और उसका रिजल्ट स्वदेशी मूवमेंट भी देख लिया और उसके बाद स्प्लिट ऑफ मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो होता है सूरत सेशन में, वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब आज गदर मूवमेंट देखेंगे, ठीक है, जो फॉरेन लैंड पे रिवोल्यूशनरीज ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम गदर मूवमेंट देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। अब ये जो गदर मूवमेंट स्टार्ट किया था, ये इट वॉज अ रिस्पॉन्स ऑफ नेशनलिस्ट फॉर द जो भी केसेस हुए थे, जैसे कि स्प्लिट ऑफ बंगाल का हो गया था रिवोल्यूशनरी का, उसके ऊपर सडन रिस्पॉन्स हो गया। तो इससे जो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर जो हमारे नेशनलिस्ट रह रहे थे, उनके ऊपर एक डिसकंटेंट बढ़ गया उनमें, उनके बीच में। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं जगह जगह पे, जो नॉर्थ अमेरिका में अलग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की, पेरिस में अलग की, और यहाँ जर्मनी में भी अलग की, जापान में अलग की, ऐसे बहुत जगह जगह पे फॉरेन लैंड पे नेशनलिस्ट ने खुद के ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करने स्टार्ट किए। और वहाँ से वो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, जर्नल्स पब्लिश करते थे वीकली, और वो इंडियन पीपल जो थे वहाँ के, उनको एक संदेश देना चाहते थे कि देखो जो कॉलोनीज है ब्रिटिश की, ठीक है, वहाँ वहाँ पे वो अवेयरनेस फैला रहे थे कि अब इनका राज ख़त्म करने का वक्त आ गया है और हमको एक साथ होना चाहिए। ठीक है, जो भी कॉलोनियल कंट्रीज थे ब्रिटेन की, उनको वो अवेयर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे इंडिया से जो लोग मॉनिटर थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे और वो सपोर्ट कर रहे थे कि हमको स्वराज चाहिए, हम कॉलोनियल रूल में नहीं रहना चाहते। और जगह जगह पे जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो तो हो रही थी, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज सामने आ रहे थे और उनके जो ग्रुप थे वो फॉर्म करके वो खुद का काम अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल कर रहे थे। जैसे जो रिवोल्यूशनरीज है वो जगह जगह पे काम कर रहे थे। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जो ग्रुप था रिवोल्यूशनरी ग्रुप, वो भी जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, ये सब एक्टिविटीज़ हो गई, तो इन्होंने सोचा चलो लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, एक्चुअली इफेक्ट ये देखने को मिला दैट स्कैटर्ड द रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, ये फेल चुका था। इंडिया में तो था ही, लेकिन इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी दिखाई दिया और इंडिया के बाहर भी ये दिखाई दिया। ठीक है, जगह जगह पे म्यूटिनीज होने लगी। उसके बाद यूरोप में बर्लिन कमिटी फॉर्म की गई थी एंड बिकॉज ऑफ दैट स्कैटर्ड द म्यूटिनी बाय द इंडियन सोल्जर्स ऑल्सो इन द सिंगापुर। और एक चीज़ सामने आई कि वहाँ पे एक गदर पार्टी, गदर मूवमेंट फॉर्म हो गई थी। ठीक है, गदर मूवमेंट क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, इंडियन पीपल्स हैं, और जो कॉलोनियल रूल में रह रहे उनको अवेयर करने के लिए। ठीक है, तो गदर मूवमेंट जो था उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे जो गदर मूवमेंट में इन्वॉल्व थे वो कौन थे, रामदास पुरी, जी डी कुमार, ठक्करनाथ दास, सोहन सिंह बाखना एंड लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ही वॉज द फाउंडर ऑफ गदर मूवमेंट। अब गदर मूवमेंट, गदर ये जो पार्टी थी वो कब फॉर्म की गई थी, इट वॉज फॉर्म इन 1911। ठीक है, कहाँ पे, यूनाइटेड इंडिया हाउस इन सिएटल। यहाँ पे स्वदेश सेवक होम एट वैंकूवर। ठीक है, ये दोनों जगह पे इन्होंने गदर मूवमेंट स्टार्ट की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो सिटेडल है और वैंकूवर है वो वॉशिंगटन के नज़दीक है। ठीक है, उसके बाद फाइनली 1913 में गदर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे दे ऑर्गेनाइज द वीकली न्यूज़पेपर, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, गदर, एंड उसका हेडक्वार्टर जो था गदर का वो सैन फ्रांसिस्को में था। आप यहाँ पे देख सकते हो जो गदर पार्टी फॉर्म की गई थी
वो अमेरिका में फॉर्म की गई थी, उसका जो हेडक्वार्टर था वो सैन फ्रांसिस्को में था, एंड फॉर ईयर्स लिव्ड एन ऑस्टर्ड लाइफ, ईटिंग ओनली बॉइल्ड ग्रेन एंड पोटैटोज एंड स्लीपिंग ऑन फ्लड. अब इन्होंने कैसे अवेयरनेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश, कि वो ब्रिटिशर्स जो भी काम कर रहे थे, इनजस्टिस कर रहे थे लोगों के साथ में, वो अवेयर कर रहे थे. बाय दी गदर जो न्यूज़पेपर उन्होंने वीकली स्टार्ट किया था, उससे वो प्रोपोगेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स की जो भी पॉलिसीज है, ठीक है, उन कॉमन पीपल्स को अवेयर कर रहे थे. अब जो गदर मूवमेंट था उसके अंदर जो प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए थे वो कैसे कैसे थे, इट ऑर्गेनाइज द एसेसिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये तो बात एक हो गई, ठीक है. अब जो ब्रिटिशर्स इंडियन पीपल्स को हार्म करेगा उनको वो एसेसिनेशन का प्लान बना रहे थे, पब्लिश रिवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपेरियलिस्ट लिटरेचर, वर्क अमंग इंडियन ट्रूप्स स्टेशन एब्रोड, प्रोसीजर आर्म एंड ब्रिंग अबाउट द साइमल्टेनियस रिवोल्ट इन ऑल ब्रिटिश कॉलोनीज, ठीक है, ये उनका काम था, ठीक है. अब कैसा कि जो भी रिवोल्यूशनरीज काम कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनको आर्म्स प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देना अगेंस्ट द ब्रिटिश, और खुद की आर्मी अगर वो बनाना चाहते तो आर्मी के लिए, ट्रूप्स के लिए, इंडियन ट्रूप्स के लिए सपोर्ट करना एट द एब्रॉड, ये उनका काम था, इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट द रिवोल्ट इन इंडिया, ठीक है. इसका पर्पस क्या था, एक ही था, रूल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करना था इंडिया में आके. तो उसकी जो प्रैक्टिस हो रही थी वो जगह जगह पे बाहर के कंट्रीज में हो रही थी, ठीक है. अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो न्यूज़पेपर है बंदे मातरम, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर जो था वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, जैसे अभी ये उर्दू में है. उनका एक ही पर्पस था कि अगर हम गदर पार्टी को लॉन्च करेंगे, ठीक है, गदर मूवमेंट फैलाएंगे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे कॉलोनीज है ब्रिटेन की, तो वहाँ वहाँ पे हम क्रांति ला सकते हैं, ठीक है. इसका यही पर्पस था कि जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, ठीक है, उनकी कॉलोनीज को डिस्ट्रॉय करे और खुद का राज वहाँ पे इस्टेब्लिश करे, ये तो इंडिया में हो या वो बाहर के कॉलोनीज में हो, ठीक है. अब यहाँ पे लीडर्स कौन कौन थे गदर मूवमेंट के, बरकतुल्ला, भगवान सिंह एंड लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सरभा एंड अदर लीडर्स कौन थे, रामचंद्र एंड भाई परमानंद, ठीक है. अब इनमें से जो लाला हरदयाल है वो लीडर थे, मतलब इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी गदर पार्टी का, ठीक है, एंड इट इंटेंडेड टू ब्रिंग द रिवोल्ट इन इंडिया, ठीक है. अब ये रिवोल्यूशनरी जो थे, इट इंकरेज बाय द टू इवेंट्स इन 1940, ठीक है. अब यहाँ पे उस वक्त एक बहुत मेजर इवेंट होता है, ठीक है, उस इवेंट को कोमागाटा मारू इंसिडेंट भी बोला जाता है, ठीक है, और दूसरा जो था वो आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब फर्स्ट वर्ल्ड जो हुआ था वो 1914 से हुआ था, और ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो है वो भी इंडिया के लैंड पे नहीं हुआ था ये इंसिडेंट, ठीक है, ये सी में हुआ था, ठीक है, जो जापान जापान और कनाडा के बीच में जो सी आती है, ठीक है, उस बीच में ये इंसिडेंट हुआ था. अब ये जो कोमागाटा है, कोमागाटा मारू, ये नाम था एक शिप का, ठीक है. ये शिप क्या कर रही थी, इट वॉज कैरिंग 370 पैसेंजर्स, मेनली सिख एंड पंजाबी मुस्लिम्स, वुड बी इमाइग्रेंट्स फ्रॉम योकोहामा, मतलब जापान से वो कैरी कर रही थी विद द ट्रेडमार्क, मतलब जो उनका रूट था वो कैसा था, फ्रॉम जापान टू हांगकॉन्ग, फ्रॉम हांगकॉन्ग टू सिंगापुर एंड फ्रॉम सिंगापुर टू वैनकोर, वैनकोर का मतलब अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो था वहाँ पे, वेयर टर्न बैक बाय कैनेडियन अथॉरिटीज आफ्टर 2 months ऑफ द प्रेविशन एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश के कहने पे उनको वहाँ पे रुका दिया था, 2 महीने तक वो वहीं पे रुके थे, ठीक है. उसके बाद ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अगर ये वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे वो बगावत करेंगे, मतलब इनमें से बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज होंगे
और वो वहां जाके अगर बगावत करेंगे तो जो हमारी कॉलोनी है वहां की, वहां पूरी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो वो वहां से फिर से उनको वापस भेज देते हैं, उनको वहां पे कैनेडियन लैंड पे मतलब जाने ही नहीं देते, ठीक है, वैसे वो वापस आते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन कैनेडियन अफेयर्स, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंटरफेयर किया था। अब ये बात जो थी, ये शिप जो थी वो किसकी थी, बाबा गुरदित सिंह की थी, ठीक है। अब यहाँ पे इनका बहुत ही मेजर रोल था। इससे क्या हुआ, गदर पार्टी का बहुत ही मतलब और भी गुस्सा आ गया कि हमारे लोगों को ऐसा डिस्टर्ब कर रही है। एक तो ये रिवोल्यूशनरी नहीं थे, कॉमन पीपल्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और इनको 2 महीने तक इन्होंने खाना पीना भी मतलब नहीं दिया, शिप में ही रहने के लिए बोला था, और वैसे 2 महीने के बाद फिर से वो शिप रिटर्न करने के लिए बोला। इसलिए वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फिर से गुस्सा आके वहाँ पे मूवमेंट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उनके जो न्यूज़पेपर था गदर का, उस न्यूज़पेपर में भी इन्होंने मेंशन किया था इस मूवमेंट का। यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस हुआ था कैनेडियन लैंड पे, वो भी जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनको अच्छा नहीं लगा, और यहाँ पे उन्होंने गदर पार्टी मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। ये देखो, ये जो मेंबर्स थे वो कोमागाटा मारू शिप में थे, और वहाँ से विदाउट गोइंग ऑन द कैनेडियन लैंड दे रिटर्न एज इट इज, ठीक है। तो इनको भी बहुत बुरा लगा था उस वक्त, ठीक है। उसके बाद इन बिटवीन दीज टू इंसिडेंट्स व्हाट एक्चुअली हैपन्ड, वर्ल्ड वॉर 1914 को स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिश ऑर्डर्ड फॉर शिप टू रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। अब ये जो शिप थी कैनेडियन लैंड पे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो शिप है कोमागाटा मारू उसको फिर से इंडियन लैंड पे भेज दो। शिप फाइनली एंकर्ड एट कलकत्ता इन सितंबर 1914, ठीक है। ये फाइनली कलकत्ता के लैंड पे आ जाती है सितंबर 1914 को। इनमेट्स रिफ्यूजेस टू ब्रॉड द पंजाब बाउंड ट्रेन, ठीक है। अब इनको क्या किया जाता है, वो जैसे ही कलकत्ता लैंड पे आते हैं, ठीक है, उनको पंजाब रेलवे से भेजने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन ये रिफ्यूज कर देते हैं। ब्रिटिशर्स कौन होते हैं हमारे लैंड पे आके हमको ही ऑर्डर कर रहे, तो ये तो जो सिख है पंजाबी है ये उनके ऑर्डर्स नहीं फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे उनके ऊपर एक एक्शन लिया जाता है, पुलिस एक्शन, ठीक है। उनमें 22 सिख और पंजाबी मुस्लिम जो थे वो वहाँ पे मर जाते, ठीक है, दे किल्ड देम। गदरिट्स गॉट इन्फ्यूरिएटेड, टाइम टू टेक ऑन द ब्रिटिश। अब इनको एक बहुत ही बढ़िया मौका मिला, इससे जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ उससे उनको एक एक्टिवेशन मिला कि नहीं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमको कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से गदरिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसमें 376 इंडियन पीपल थे, ठीक है, और वो कैनेडियन लैंड पे जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनको लैंड ही नहीं होने दिया और फिर से इंडियन लैंड पे बुलाया गया बाय द ब्रिटिश ऑर्डर, ठीक है। वहाँ के जो इंसिडेंट हुए थे विद अ टाइम फ्रेम वो भी उस न्यूज़पेपर में मेंशन किए गए थे। उसके बाद ये जो कोमागाटा मारू केस है, ठीक है, वो तो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे उनके, उन्होंने बहुत 2-3 बार जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था उस वक्त का, उस इंसिडेंट के लिए हमारे इंडिया से माफ़ी मांगी है, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट था वो अभी भी न्यूज़ में था, ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो गदराइट्स थे दे अर्ज्ड फाइटर्स टू गो टू इंडिया, ठीक है। अब जो नेशनलिस्ट एब्रॉड रह रहे थे और वहाँ से नेशनलिस्ट एक्टिविटीज कर रहे थे, ठीक है, तो दे वर प्रमोटेड टू कम इन इंडिया एंड रिवोल्ट इन इंडिया, ठीक है। जो करतार सिंह सरबा है एंड रघुबर दयाल गुप्ता है, ठीक है, दे लेफ्ट टू इंडिया, ठीक है। मतलब क्या कि वो इंडिया में आके उन्होंने उनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी वो स्टार्ट कर दी। 21 फेब 1915 को क्या हुआ, दे डिसाइडेड द
डेट ऑफ रिवोल्ट। लेकिन हुआ एक्चुअली क्या कि जो रिवोल्ट होना था 1915 को, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एक इंटेलिजेंस बनाई थी, ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस, तो उस इंटेलिजेंस को ध्यान में आया कि अब बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने वाली है इंडिया में, ठीक है। तो उससे पहले, मतलब जो गदरिस्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करने वाले थे, उससे पहले ही वो जो मेजर लीडर्स है उनको अरेस्ट कर लेते हैं, एंड लेटर ऑन राज बिहारी घोष एंड सचिन सान्याल दे वर आस्क टू लीड द मूवमेंट, ठीक है। अब जो मेजर लीडर्स थे गदरिस्ट मूवमेंट के, उनको तो अरेस्ट किया जाता है। फिर बाद में जो राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल है, वो हमने लास्ट टाइम देखा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन फॉर्म हुआ था, उसमें वो चेयरमैन थे, राइट, राज बिहारी बोस, तब हमने देखा था, और उनके ऊपर चप्पल फेंक के मारी थी। आप इस तरह इसका ध्यान रख सकते हो, और वो वहां से निकल के यहाँ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो गदरिस्ट मूवमेंट को लीड करे, ठीक है। उसके बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन मार्च 1950, राज बिहारी, उसके बाद कोई एक्चुअल इंसिडेंट नहीं होता, कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि वहां पे डिफेंस इंडिया एक्ट पास किया जाता है, ठीक है। तो इनका जो रोल था वो यही खत्म हो जाता है। मतलब क्या कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने वाली थी वो होने से पहले ही स्टॉप हो गई, और यहाँ पे कोई गदर मूवमेंट नहीं हुई, ठीक है, मतलब कोई इंसिडेंट नहीं हुए, और यहाँ पे राज बिहारी बोस जापान को चले जाते हैं, और जापान को चले जाने के बाद वो वहाँ पे एक आर्मी फॉर्म कर देते हैं, और यहाँ पे एंड हो जाता है गदर मूवमेंट का। अब अगर हम गदर मूवमेंट जो हुआ था उसके पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गदर मूवमेंट से पॉजिटिव एक्टिविटीज क्या निकल के आ सकती है, इसकी अचीवमेंट क्या थी, इसकी जो आइडियोलॉजी लेवल थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। मतलब एक आइडियोलॉजी थी उनकी कि हम रिवोल्यूशनरी बेसिस पे काम करेंगे। उनके न्यूज़पेपर से वो आइडियोलॉजीज स्प्लिट कर रहे थे डिफरेंट जगह पे, इट एनरिच्ड द मिलिटेंट नेशनलिज्म विद द कम्प्लीटली सिक्योर अप्रोच, ठीक है। मतलब क्या कि ब्रिटिशर्स को पता ना चले, इससे वो एकदम सिक्योर उनकी मिलिट्री नेशनलिज्म का वर्क कर रहे थे बहुत अलग अलग जगह पे, राइट, जैसे सैन फ्रांसिस्को में कर रहे थे, यूरोप में कर रहे थे, या सिंगापुर में कर रहे थे। लेकिन ये फेल हो गई एक्चुअली। एक्चुअली फेल क्यों हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक इंटेलिजेंस बिठाई थी, वो काम कर रही थी इसके ऊपर, ठीक है। जो इंटेलिजेंस हमारे इंडिया में, उस लेवल का इंटेलेक्चुअल हमारे इंडिया में, इंडिया के नेशनलिस्ट के लीडर के पास नहीं थे, ठीक है, जो तब ब्रिटिशर्स के पास थी, ठीक है। उन्होंने जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ओपन किया था उस टाइम का, तो वो ऑब्जर्वेशन पे था, राइट, और उनके नज़र में आया कि ये रिवोल्यूशनरी कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे वो अरेस्ट कर लेते लीडर्स को, और वहाँ पे ही गदर पार्टी का मूवमेंट एंड हो जाता है। तो ये एंड क्यों होता है एक्चुअली, इट लैक एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सस्टेन्ड लीडरशिप, बराबर। अब जो लीडर थे हमारे गदर मूवमेंट में, वो अब्रॉड रह रहे थे, सैन फ्रांसिस्को से वो पार्टी चला रहे थे, और एक्चुअल इवेंट कहाँ पे होने वाला था, इंडिया में। तो ये पॉसिबल तो नहीं ना कि एक जगह से लीड करे और दूसरी जगह पे इवेंट हो जाए। अगर जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहीं पे लीडरशिप अच्छी तरह ही होनी चाहिए, ताकि ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। एंड जो लाला हरदयाल थे वो तो बाहर थे, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। प्रिपरेशन रिक्वायर्ड एट द एवरी लेवल, ठीक है, मतलब हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर लीडर्स बाहर से ऑर्डर करेंगे, गाइड करेंगे, तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव एक मोमेंट को होना चाहिए, ठीक है। इन ऑल सेंस, एवरी एस्पेक्ट से हम लैक कर रहे थे यहाँ पे, इन द ऑर्गेनाइजेशनल, आइडियोलॉजिकल व्यूज, फाइनेंशियल, टैक्टिकल स्ट्रेटजीज, ठीक है, ये सब हमारी वीक थी, जो कि ब्रिटिशर्स की बहुत ही अच्छी थी। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी अच्छी थी, उन्होंने उनके खुद के इंटेलिजेंस लोग बहुत जगह जगह पे बिठाए थे, दे वेर फाइनेंशियली स्ट्रांग, एंड दे वेर यूजिंग द टैक्टिकल स्ट्रेटजीज एट दैट टाइम। तो यहाँ पे गदर मूवमेंट का एंड हो जाता है, और होम रूल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। होम रूल में दो
बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग इन्वॉल्व है, लोकमान्य टिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें स्टडी करेंगे। फिलहाल अब गदर पार्टी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मतलब पहले पूछे गए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं आपको। हु वॉज द लीडर ऑफ गदर पार्टी? अभी हमने 2-3 बार लेक्चर में डिस्कस किया, जो लीडर थे वो कौन थे? लाला हरदयाल थे। उसके बाद हु वेयर द गदर रिवोल्यूशनरीज हु बिकम द एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बेस्ड। अब यहाँ पे कौन कौन, हु वेयर, सॉरी, वेयर वेयर द गदर रिवोल्यूशनरीज? अब अभी हमने देखा कि वो जो सिटेडल है, ठीक है, और वैनकूवर, वहाँ पे गदर रिवोल्यूशनरीज हुआ करते थे। तो वो जो पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।